तो मैं पहुंच चुका हूँ श्री सैलम, और अब मैं यहाँ से पता लगा जा रहा हूँ। और ये यहाँ का व्यू है, आप देख सकते हैं। तो अभी ये 750 स्टेयर्स को हम क्लाइम करके नीचे आए हैं डाउन स्टेयर, और ये नीचे पाताल गंगा है जिसके अभी हम दर्शन करेंगे। इसी रिवर पे आगे डैम बना हुआ है, श्रीशैलम डैम। ये मल्लिकार्जुन टेंपल जो ज्योतिर्लिंग है उसके पास है, देख सकते हैं आप। आज संडे और कितना रश है यहाँ पर। और मैं दो चार भाइयों के साथ घूम रहा हूँ, मुझे बस में मिले थे। वाह, देखिए बोट कैसी है, मस्त। हाय, हेलो, आप बताएं। शिवा, शिवा, ये मुझे बस में मिले थे कल हैदराबाद से, तो अभी मैं इन्हीं के साथ घूम रहा हूँ। ये शिवा है, आपका नाम? मेरा नाम साई किशोर, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। साई किशोर जी है ये जहराबाद से, और दो भी बंदे पर्सन और है, उनसे मिलाएंगे। और आप देख सकते हैं कितने सारे भक्त हैं यहाँ पे। द गेट्स ऑफ श्रीशैलम प्रोजेक्ट, वो सामने अगर आपको दिख रहा है तो वो डैम का गेट है, बहुत बड़ा डैम है, जो कि अभी हम बस से आते हुए देखा था हमने। यहाँ पे नीचे आप जाके स्नान कर सकते हैं पाताल गंगा पर, और ये ऊपर सीढ़ियों से उतर के आना पड़ेगा आपको मंदिर की तरफ से। 750 सीढ़ियाँ हैं टोटल, और इधर रोपवे भी है, रोपवे भी से भी आ सकते हैं आप। और यहाँ पे आप सामने बोटिंग कर सकते हैं सेफ्टी के साथ, मस्त बोटिंग हो रही है। और ये दूसरी तरह की बोट है, आप देखिए, लाइक अ लोटस लीफ, पुराने स्टाइल की, ऑथेंटिक। ये सब मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। वो अलग जगह नहीं, ये आप सामने बोटिंग कर सकते हैं, इसका 80 रुपये पर पर्सन किराया है। और आप देख सकते हैं ये पाताल गंगा पर है, यहाँ पे स्नान करते हैं मल्लिकार्जुन जाने के वक्त। काफी सारे लोग हैं यहाँ पर।